उद्धव ठाकरे का ऐलान, महाराष्ट्र में घमासान। बीजेपी से मतभेद है, बात करने को मैं तैयार हूं। मैं माफी मांगता हूं, मैंने गलती कर दी। कोई मुझसे बात करना चाहता है तो मैं भी तैयार हूं। बीजेपी से मतभेद है, मैं माफी मांगता हूं, मैंने गलती कर दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। यह बयान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के पूर्व सहयोगी उद्धव ठाकरे का है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे का यह बयान तहलका मचाए हुए है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों उद्धव ने ऐसा बयान दिया। उद्धव ठाकरे को अपनी किस गलती का एहसास हो गया है? क्या उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी छोड़ने का मन बनाया? क्या उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के साथ आना चाहते हैं? क्या चुनावी नतीजों के बाद की राजनीति सेट कर रहे हैं उद्धव? इन तमाम सवालों के जवाब की तलाश की जा रही है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि ठाकरे ने क्यों और कब इतनी बड़ी बात बोली। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए अपने बयान में कह दिया, हमारे बीच मतभेद है लेकिन अगर आपकी ओर से कोई मुझसे बात करना चाहता है तो मैं भी तैयार हूं। हमें एकजुट होकर सिलोल्ड की छवि सुधारनी चाहिए। यह मौका है अब्दुल सत्तार को हराने का। उद्धव ठाकरे के बयान से तस्वीर थोड़ा सा साफ होती है कि सिलोड़ की जनता को लुभाने के लिए वो ऐसा बयान दे रहे, ताकि वो कह सके कि बीजेपी राजनीति ना करे तो सिलोड़ का विकास किया जा सकता है। इसीलिए उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मैं सिलोड़ के लिए बीजेपी से बात करने के लिए तैयार। लेकिन राजनीति में इशारों ही इशारों में दिए गए बयान बहुत कुछ कहानी बयां कर जाते हैं। और सिलोड़ में ये बात ठाकरे ने क्यों कही, अब ये समझ। एकनाथ शिंदे गुट के अब्दुल सत्तार सिलोड़ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब्दुल सत्तार मौजूदा वक्त में मंत्री हैं। वो 2019 के विधानसभा चुनावों में शिवसेना में शामिल हुए थे। उस समय शिवसेना एकजुट थी और उद्धव ठाकरे के हाथों में पार्टी की कमान थी। लेकिन 5 साल में तस्वीर पूरी तरीके से उलट चुकी थी। अब्दुल सत्तार अब शिंदे के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि अब्दुल सत्तार पर ठाकरे भड़क रहे हैं। गद्दारों ने एकजुट होकर सत्ता का दुरुपयोग किया, गरीबों को परेशान किया जा रहा है, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। मैंने 2019 में उन्हें यानी अब्दुल सत्तार को शामिल करके गलती की थी और इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मंत्री पद मिलने के बावजूद उनकी भूख शांत नहीं हुई है, वो अभी भी लालची बने हुए हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि ठाकरे ने क्यों माफी मांगी, क्यों बीजेपी से बात करने के लिए उन्होंने बात कही और क्यों उद्धव ठाकरे चुनाव के वक्त ऐसी बातें कह रहे हैं। खैर, वो इन सब के बीच अब्दुल सत्तार पर भी खूब भड़ास निकालते दिखे थे। वहीं बात करें सत्तार की तो उनके रिश्ते भी बीजेपी जो उनकी सहयोगी है ठीक नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जलना लोकसभा सीट हारने पर बीजेपी ने अब्दुल सत्तार को जिम्मेदार ठहरा दिया था। दरअसल अब्दुल सत्तार ने अपने ही गठबंधन के साथी का सपोर्ट नहीं किया था और उन्होंने विपक्षियों का सपोर्ट किया था और उनकी जीत का अभिवादन भी किया था, इसीलिए अब्दुल सत्तार और बीजेपी की रिश्ते नहीं ठीक है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी अब्दुल सत्तार पर भड़क रहे हैं और चुनाव के बीच कह रहे हैं कि अगर बीजेपी बात करना चाहती है तो मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं, हमारा मनभेद नहीं है केवल मतभेद। तो कुछ इस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीति हो रही है। तो ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या उद्धव ठाकरे 23 नवंबर के बाद की राजनीति अभी से ही सेट कर देना चाहते हैं? अगर ऐसा मौका आता है कि वो किंग मेकर की भूमिका में होते हैं तो क्या वो किसी के भी साथ डालने के लिए तैयार होंगे? क्या वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे? ये तमाम सवाल। बहरहाल ठाकरे के बयान पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।